गाइज आज हम लोग जा रहे हैं स्पोकन सेंटेंसेज का छठा क्लास करने, जिसमें कि हम लोग स्पोकन सेंटेंसेज को लेकर के आए हैं। और आपको पता है कि प्रत्येक दिन हम 10 स्पोकन सेंटेंसेज लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें कि वो सारे सेंटेंसेज होते हैं जो हम प्रत्येक दिन अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो चलिए ज़रा आज के सेंटेंसेज की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम को आपको ये 10 सेंटेंसेज मिलता है। तो देखिए पहला सेंटेंसेज क्या है इसमें, कोई बात नहीं। पहला सेंटेंसेज क्या है, कोई बात नहीं। क्या होगा इंग्लिश, कोई बात नहीं। आपको कुछ हो जाता है, कोई कुछ करते हैं, आप बताते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या कहेंगे, नेवर माइंड। क्या कहेंगे, नेवर माइंड। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए कह रहा है, इससे बहुत मदद मिलती है। क्या है ये, इससे बहुत मदद मिलती है, तो क्या हो जाएगा, दैट हेल्प्स अ लॉट। आप कहते हैं ना किसी चीज़ को लेकर के, इससे बहुत मदद मिलती है, तो क्या होगा इंग्लिश, दैट हेल्प्स अ लॉट। क्या होगा, दैट हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आप उसे कैसे स्पेल करते हैं, तो क्या होगा, हाउ डू यू स्पेल दैट। क्या होगा, हाउ डू यू स्पेल दैट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आप का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। क्या होगा, व्हाट डू यू मीन। हम ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आपका इसका क्या मतलब है, तो क्या कहेंगे, व्हाट डू यू मीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो क्या होगा इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी। क्या होगा, कैन यू हेल्प मी, क्या होगा, कैन यू हेल्प मी। गाइस समझ में आ रही है यहाँ तक, तो चलते हैं नेक्स्ट। और फाइव वर्ड लेते हैं, देखते हैं ये क्या है नेक्स्ट फाइव वर्ड। तो फाइव वर्ड देखिए, बहुत ही कमाल का वर्ड है कि ज़्यादा नौटंकी मत करो। क्या होगा इंग्लिश, ज़्यादा नौटंकी मत करो। क्या होगा इंग्लिश, देखिए कह रहा है, डू नॉट गिव मी टू मच। क्या होगा, डू नॉट गिव मी टू मच। नेक्स्ट देखिए, वाट एवर हैपेंड वॉज गुड, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, वाट एवर हैपेंड वॉज गुड, तो क्या होगा, जो हुआ अच्छा हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, इट वॉज बाउंड टू हैपन। बहुत ही कमाल का सेंटेंसेज है ये भी, कि यह तो होना ही था, यह तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, यह तो होना ही था। नेक्स्ट देखिए, इट एज यू saw, so you shall reap। क्या होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। सेंटेंस देखिए कह रहा है, एज यू saw, so you shall reap, मतलब क्या होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। कमाल का सेंटेंस है ये गाइस, देखिए ध्यान से और आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कहाँ से मिला यह तुम्हें, क्या होगा, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। क्या होगा, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कहाँ से मिला ये तुम्हें। क्या होगा इंग्लिश, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। तो गाइज कैसा लग रहा है ये क्लासेस, कैसे आपको समझ में आ रहा है, कितना हेल्पफुल हो रहा है ये, तो जल्दी से हमें लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसा लग रहा है। और अगर बेहतर लग रहा है क्लास तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइज।